नमस्कार, आप सबका मेरे गांव में स्वागत है। और आज मेरे गांव में मेरा पहला दिन है और आज मैंने क्या क्या किया और मैं कहाँ घूमने गई, मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ। गांव की थोड़ी सी लाइफस्टाइल मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, वहाँ की थोड़ी सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। होप आप लोग इन्जॉय करेंगे मेरा ये वीडियो, तो आप देखते रहिए। हाँ, उधर जाके घर में छुप के करते हैं। इसीता बताओ तुमको हमारा गांव कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और तुम ये तुम्हारा गांव है या तुम्हारे मामा के गांव है? शायद ही आपने कभी ऐसा देखा होगा, ये गाय भैंसे हैं जिनको लोग उनका खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर आते हैं और इस तरह से वो हरी घास खिलाते हैं। ये इमली का पेड़ है जिसमें काफी सारी इमली लगी हैं, पर वो बहुत छोटी छोटी सी हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगी इसमें। अपना चारा खाती हुई भैंस और मैं आपको दिखाऊंगी अभी भैंस का बच्चा। आप जानते हैं ये क्या है? ये है जिसमें लोग बाहर से चारा अपने जानवरों के लिए लेकर आते हैं, तो वो लोग आजकल क्या चल गया है गांव में, लोग सिर पे रख के बहुत कम लाते हैं। लोग इस तरह की अपनी गाड़ी बनाकर लोगों ने रखा है और जिसमें कि एक साथ में काफ़ी सारा चारा जानवरों के लिए आ जाता है, तो वो वही है जो कि आपने देखा। तो चाची आप बताइए कि अभी आप क्या करने जा रही हैं? कपड़े धोने जा रही हैं। और आपके वहाँ पर गाय भैंसों का काम हो गया? अभी नहीं हुआ। तो अभी क्या करने जा रही हैं वहाँ पे? चारा लेने। ये जो सामने आप पतले पतले से व्हाइट कलर के जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये है सागौन के पेड़। और वो जो सामने आप खेत देख रहे हैं वो है गन्ने का खेत। और बाकी तो ये जो खेत बाकी खाली पड़े हुए हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन अभी खाली पड़े हैं। अब ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी कि ये वो तालाब है जिसमें लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लेकर आते हैं और उनको नहलाने के लिए। यहाँ पर बहुत देर तक जानवर अपना तैरते रहते हैं, अपना गर्मी होती है तो बहुत बहुत देर तक जानवर इससे निकलते भी नहीं हैं और पानी पीते हैं यहाँ पर। तो ये और इवन हमारे ही गांव नहीं बल्कि आसपास के बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पर जानवरों को पानी पिलाने के लिए लेकर आते हैं। और कभी कभी इसका पानी कम हो जाता है लेकिन ख़त्म कभी नहीं होता है, और इस वजह से यहाँ पर जानवरों को पानी पिलाने के लिए हमेशा पानी बना रहता है। आप देखिए कैसे स्विमिंग कर रही हैं ये भैंसें। भैंसी चरा के लाए हैं बिटिया। अच्छा, आप भैंसे चरा के आए हैं? हाँ। तो आप कहाँ ये रोज लेकर आते हैं? रोज। अच्छा, दोनों टाइम। अच्छा, तो ये बारिश अभी गर्मियों में क्या इसका पानी ऐसे ही रहता है? पानी कम हो जाए ऐसे भरो रही है माँ। अच्छा, ऐसे ही भरा रहेगा। अच्छा, तो बाबा और आप कहाँ, कितनी दूर से आए हैं, कहाँ से आए? गांव। अच्छा, वहाँ उस तरफ गांव है जहाँ से आप लोग आए हुए हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगी, ये हैं धान के खेत यानी कि चावल के खेत, वही चावल जो हम लोग बाजार से खरीद कर खाते हैं। आप ये जो खेत देख रहे हैं इसके बीच में आप देख रहे हैं कि कुछ एक खड़ा हुआ है, एक कुछ बनाया गया है ये,
ये आप जानते हैं क्या है, ये एक्चुअली लोगों को डराने के लिए बनाया गया है। बेसिकली जो जानवर होते हैं, जैसे कि बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो पूरी फसल ख़राब करके चले जाते हैं, तो उनको डराने के लिए ये बनाया गया है, ताकि उनको ये फील हो कि कोई खेत में है और हम ना जाएं। और ये जो फली आप देख रहे हैं, ये है मूंग की दाल की फली, और ये मूंग की दाल वही मूंग की दाल जो स्प्राउट के लिए हम यूज करते हैं, जो दाल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर एक बैलगाड़ी थी और जिसमें मैं बैठी भी थी, पर वो क्लिप पता नहीं कहाँ से मिस हो गई और मैं अभी इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। पर रैली में बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने गांव में, और बैलगाड़ी आजकल देखने के लिए नहीं मिलती, लोग बहुत कम एक्चुअली लोग चलाते हुए मिलते हैं, लेकिन मिल गई तो हम लोगों ने बैठ कर उसमें इन्जॉय किया था, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है मेरे पास, क्लिप मिस हो गई एक्चुअली। और ये जो सूखी घास आप देख रहे हैं, ये घास नहीं बल्कि उड़द की दाल है, और यानी कि उड़द की दाल की फलियां इसमें लगी हुई हैं अभी, और ये इसको सूखने के बाद उसको कूट करके उससे उड़द की दाल निकाली जाएगी, वही उड़द की दाल जिसे हम लोग खाते हैं, जिसके दही बड़े बनते हैं। तो अब हम घर वापस आ गए हैं, और घर के सामने मेरे ये काली माँ का मंदिर है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरह से हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, और मैंने एक व्लॉग और बनाया है, ये मेरा फर्स्ट डे का था, और सेकंड डे का व्लॉग जो कि मैंने पहले एडिट करके आप लोगों को दिखा दिया है, आप उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं।